हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ बंजारा मार्केट गुड़गांव में। होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं मार्केट पहुँच गई हूँ और वहाँ पर कलेक्शन भी मुझे काफ़ी सुंदर देखने को मिली थी। और जैसे कि मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि बंजारा मार्केट क्लोज़ होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार वहाँ पर जाके विज़िट करूं और आप लोगों के साथ वहां की वीडियो को शेयर करूं, किस टाइप का कलेक्शन वहां पे आया हुआ है वो आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप जब बंजारा मार्केट में एंटर करेंगे और आपको इस टाइप के जो स्टूल्स हैं वो आपको ईजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। इनके ऊपर फ्रेंड्स मार्बल लगा हुआ है और इनके साइज़ भी डिफरेंट थे, स्मॉल, मीडियम एंड बड़े लार्ज साइज़ का भी था और सबका जो प्राइस था वो डिफरेंट था। स्टार्टिंग रेंज जो थी इनकी 2500 से स्टार्टिंग रेंज थी और 4500 तक की रेंज में थे ये। और सबके मतलब वो जो रेट कोट करते हैं वो रेट काफ़ी ज़्यादा कोट करते हैं, बट आपको जैसे कि पता है कि वहाँ पे बार्गेनिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो आप उन्हें बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आपको ये कम रेट में मिल जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस टाइप के मिरर्स भी लगे हुए थे जिनका जो प्राइस वो कोट कर रहे थे 1500 कोट कर रहे थे, बट अगेन आपको ये कम रेट में मिल जाएंगे बार्गेनिंग करके, वो बार्गेनिंग कर लेते हैं। और स्टूल्स की ये जो सेंटर टेबल है उनकी काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल रही थी बंजारा मार्केट में और काफ़ी अच्छे सुंदर सुंदर थे। और ये जो मार्बल लगे हुए थे इनमें फिक्स हो रखे थे और काफ़ी हैवी मटीरियल था। और कुछ इस टाइप की चेयर्स भी अवेलेबल थी वहाँ पे, जिनका सबका रेट फ्रेंड्स अलग अलग था, जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। टेबल्स की तो काफ़ी सारी अच्छी वैरायटी थी और कुछ इस टाइप के स्टूल्स जो कि हम इसके अंदर स्टोरेज भी होता है। और बाकी जैसे कि आपको पता है बंजारा मार्केट में इस टाइप की क्रॉकरी जो आपको हमेशा देखने को मिल जाती है, और इसमें इतने सारे डिज़ाइन वैरायटी कप्स वगैरह थे, ये कप काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कप्स की काफ़ी सारी वैरायटी थी जिनका प्राइस 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग था, 70 के भी थे और 150 के भी थे। इस टाइप की इनकी जो मटेरियल जो होता है ना सिरेमिक, काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल रहे थे। इसमें कुछ बाउल्स भी थे और कप्स की काफ़ी सारी वैरायटी थी, कलर्स कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे थे। और ये बाउल का जो रेट था ये 100 रुपीज़ बोल रहे थे, तो आप यहाँ पे बार्गेनिंग इजीली हो जाती है। तो अगर आप परचेज़ करते हैं एक साथ तो काफ़ी कम रेट में आपको मिल जाता है। और कुछ हैंड वॉश की भी यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिल रही थी, हैंड वॉश के साथ पूरा एक सेट था जिसमें आप सोप भी रख सकते हैं एंड जो हम ब्रशेस वगैरह रखते हैं उसका स्टैंड भी था। ये 600 रुपीज़ इसका रेट बोल रहे थे, बट 400 तक की रेंज में आपको मिल जाएगा अगर आप इस टाइप की शॉपिंग करना चाहते हैं। और ये क्रॉकरी की जो प्लेट्स थी, प्लेट्स का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लग रहा था, इनका जो रेट था वो 200 रुपये बोल रहे थे, बट अगेन जितना वो कोट करते हैं उससे वो मतलब बार्गेनिंग वहाँ पे हो जाती है। तो अगर आप एक साथ परचेज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी आपको बार्गेनिंग देखने को मिल जाएगी। इस टाइप के सिरेमिक के जो ये मिलते हैं यहाँ पे क्रॉकरी, काफ़ी सुंदर होती है। और इस टाइप के पॉट भी थे यहाँ पे, प्लांट के नीचे जो हम पॉट लगाते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर लग रहे थे और इनका रेट 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग था। और एक ये छन्नी टाइप की मुझे दिखी जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। और कप्स की आप वैराइटीज़ देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हैं, 150 की रेंज में था ये कप। तो फ्रेंड्स, ये सिरेमिक के लिए तो आपको पता ही है बंजारा मार्केट कितनी फेमस है, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सिरेमिक आपको मिल जाएंगे। और इस टाइप की प्लेट्स वगैरह थी, बाउल्स वगैरह थे, ग्लास वगैरह थे और कप्स वगैरह थे, तो काफ़ी यूनिक मुझे कलेक्शन देखने को मिल रही थी। और ये छोटी सी कढ़ाई थी, इसके भी 3-4 साइज़ थे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और सबके फ्रेंड्स रेट्स जो थे ना सबके डिफरेंट थे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये इस टाइप के स्टूल्स आपको वहाँ पे हर जगह देखने को मिल जाएंगे बंजारा मार्केट में।
तो काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स कलेक्शन आ रखी है बंजारा मार्केट में, तो आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और काफ़ी लोगों से पता चला कि बंजारा मार्केट क्लोज़ होने वाली है, बट अभी तो फ्रेंड्स ओपन है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जाके विज़िट करिए और आप वहाँ से जो भी परचेज़ करना चाहते हैं परचेज़ कर लीजिए। अभी पता नहीं कब बंद हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ से उनको हटने के लिए बोला है, बट अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि कब तक ये बंद होगी। तो आप जाके विज़िट करके अगर आपको कुछ परचेज़ करना है वहाँ से तो आप परचेज़ कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सैटरडे संडे को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। और जैसे जैसे लोगों को पता चला है कि बंजारा मार्केट क्लोज़ होने वाली है तो काफ़ी भीड़ वहाँ पे आती है, तो इसलिए आप सैटरडे संडे अवॉइड कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉकरी की काफ़ी अच्छी सच में कलेक्शन आ रखी थी, एक ही कप मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे और इनका जो ये रेट बोल रहे थे 50 रुपये का एक, 50 रुपीज़ का वन पीस बोल रहे थे, बट मैंने वहाँ पे बार्गेनिंग कराई और 4 यहाँ पे लिए मैंने इनसे 150 के। तो बार्गेनिंग हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बोलते वो ज़्यादा हैं, कोट ज़्यादा करते हैं, बट बार्गेनिंग हो जाती है ईजीली। तो ये काफ़ी अच्छी कलेक्शन मुझे देखने को मिल रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स ये अगेन यहाँ पे ये कुछ मिरर्स की मुझे काफ़ी सुंदर लग रहे थे, इसका जो प्राइस बोल रहे थे ये 1500 बोल रहे थे, तो कोट तो ज़्यादा ही करते हैं बट आपकी बार्गेनिंग हो जाती है। और एक लैम्प का स्टैंड होल्डर टाइप का जो होता है इसका रेट बोल रहे थे 1200 रुपये, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, बट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपको बार्गेनिंग ईजिली हो जाएगी। कुछ प्लांट्स के ये स्टैंड भी रखे हुए थे यहाँ पर, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे फ्रेंड्स, तो आप आके परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टूल यहाँ पे होते हैं बैठने के लिए, ये जो मिलते हैं इनका रेट 2500 के 2 पीस ये दे रहे हैं, तो अगर आप रियली परचेज़ करना चाहते हैं तो ये 2000 में आपको मिल जाएंगे, इसमें 2 पीसेस मिलेंगे आपको। और बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है ये, मैं बैठ के देखा था मैंने इसमें, और नई वैरायटी स्टूल्स की काफ़ी सारी वहाँ पे मुझे देखने को मिल रही थी। और ये थे कुछ कैंडल स्टैंड जिनका रेट 200 से स्टार्टिंग था, और 250 के भी थे, 300 के भी थे। और ये एक टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, ये छोटे छोटे टेबल्स भी ले सकते हैं आप, क्यूट क्यूट से लगते हैं। और फ्रेंड्स ये थे वहाँ पे प्लांट्स के लिए जो स्टैंड होते हैं, प्लांट्स के स्टैंड की काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसका मैंने प्राइस पूछा था तो उन्होंने बोला था 2500 रुपये, 2500 रुपीज़, और छोटे वाले का बोला था 1500 रुपये, 1500। तो रेंज यहाँ पे अलग अलग आपको वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और जिस साइज़ के हिसाब से वो आपको देते हैं। और मिरर्स की भी फ्रेंड्स वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ मुझे देखने को मिल रही थी, तो अगर आप इस टाइप के मिरर परचेज़ करना चाहते हैं, इनकी भी अलग अलग साइज़ के हिसाब से इनकी जो रेंज थी अलग अलग थी सबकी। और एक ये स्टैंड काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसका रेट मैंने पूछा था 3000 रुपीज़ बोल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रेंज बोल रहे थे, तो मैंने बस वैसे ही पूछा था, मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी। और इस टाइप के ये जो टेबल लैम्प्स वगैरह होते हैं, इसका जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं जिनमें मिरर लगे हैं, उनका 800 रुपीज़ बोल रहे थे, और जो बाकी हैं 1200 के भी थे इसमें। और ये स्टूल्स जिस टाइप के आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। बाकी यहाँ पे कलेक्शन तो काफ़ी अच्छी आ रखी थी इस टाइप के, आप अगर फर्नीचर परचेज़ करना चाहते हैं चेयर और स्टूल का, इन सब का प्राइस फ्रेंड्स अलग अलग था, 4000, 5000 और भी उससे ज़्यादा भी था, तो अकॉर्डिंग टू आपके साइज़ के हिसाब से ये रेट कोट कर रहे थे। और यहाँ पे स्टूल्स की तो काफ़ी सारी वैरायटी थी, ये कॉर्नर स्टैंड जो मिलता है ये भी था वहाँ पे, और भी काफ़ी सुंदर कलेक्शन थी। और लाइट्स जो होती है सेंटर में, जो हम लाइट्स लगाते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी, तो कलेक्शन काफ़ी सुंदर थी वहाँ पे। तो बंद मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ज़रूर विज़िट करें, पता नहीं अभी कब बंद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको ऑर्डर तो मिल ही गया है बंद करने का, बट अब कब तक बंद करते हैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। और ये लाइट्स जो दिख रही थी काफ़ी सुंदर लग रही थी, पर लाइट का वो 800 बोल रहे थे ओनली वन लाइट का, बट आप एक साथ परचेज़ करेंगे 3 लाइट्स या 2 लाइट्स तो बार्गेनिंग हो जाती है, 1500 तक की रेंज में आपको 3 लाइट्स मिल जाएंगी, बोलते वो ज़्यादा ही हैं बट कम कर लेते हैं। और यहाँ पे एक वाइट मिरर था, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, इस टाइप के स्टूल्स थे, ये जो ड्रॉर्स टाइप होते हैं जिसमें हम छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, इसका प्राइस मैंने पूछा था 4000 रुपीज़ बोल रहे थे, और इसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स ड्रॉर्स थे। और यहाँ पे इनके पास छोटे छोटे स्टूल मिरर्स
की काफ़ी सारी वैरायटी थी, सोफ़ास भी थे और इस टाइप के टेबल वगैरह थे, और यहाँ पे थे काफ़ी सारे मिरर्स की वैरायटी, छोटे बड़े स्मॉल साइज़ के हर साइज़ के मिरर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको अगर परचेज़ करना है तो आप आ सकते हैं बंजारा मार्केट में। और ये एक कैंडल स्टैंड था, इसका रेट उन्होंने बोला था 2000 रुपीज़। इसमें काफ़ी सारे कैंडल स्टैंड के लिए दे रखे हैं, तो अगर आप इस टाइप का परचेज़ करना चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स मिरर की, जैसे कि आप देख सकते हैं मिरर्स की कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे हैं फ्रेम के हिसाब से। तो ये कलर भी करते हैं, अगर आपको कोई और कलर में चाहिए तो कलर भी कर देंगे आपके मिरर को। तो कलेक्शन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी आई हुई है बंजारा मार्केट में, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये इस टाइप के जो बैठने के चेयर टाइप की जो होती है, इसकी भी काफ़ी सारी जगह मुझे वैरायटी देखने को मिल रही थी अलग अलग कलर्स में। और इसका जो रेट वो बोल रहे थे 2500 बोल रहे थे, बट बार्गेनिंग अगेन हो जाती है जब भी आप कुछ परचेज़ करते हैं, तो ये बोलते ज़्यादा हैं बट बार्गेनिंग हो जाती है। तो वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी लैम्प्स वगैरह की आ रखी थी, और जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और मुझे पेंटिंग्स वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिली। इसका प्राइस था फ्रेंड, छोटी वाली पेंटिंग थी, इसका प्राइस 300 रुपीज़ था, और इसमें कुछ इस टाइप के कलर्स अवेलेबल थे। 300 रुपये की थी ये, बाकी अगर आप इससे बड़े साइज़ का लेते हैं वो 600 की थी, ये जो आप देख रहे हैं 600 की थी, और उसके बाद ये 800 की थी। और भी यहाँ पे एक इससे भी बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, वो 1200 की थी, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये जो पेंटिंग थी इसका रेट 1200 है, तो बार्गेनिंग हो जाएगी। तो पेंटिंग काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे वहाँ पे। और एक ये जो स्टैंड टाइप के जो होते हैं डेकोरेटिव आइटम, ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर थे वाइट कलर में, कि आप इसे अपने वॉल पे डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। इसकी भी काफ़ी मुझे काफ़ी जगह देखने को मिल रही थी वैरायटी। इनका भी सबका अलग अलग प्राइस था साइज़ के हिसाब से, तो अगर आप लेना चाहते हैं इस टाइप का अपने डेकोरेटिव आइटम घर के लिए, तो आप परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी ये जो सिरेमिक की जो, ये तो आपको हर जगह ही बंजारा मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो ये स्टूल्स वगैरह भी हर जगह ही लगे हुए थे, और ये कप्स लगे हुए थे, कप्स भी काफ़ी सुंदर लग रहे थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, कॉफ़ी मग टाइप के, तो सबका अलग अलग रेट था। और ये रग्स वगैरह यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे पिलोज़ भी थे, पिलोज़ का भी फ्रेंड्स अलग अलग रेट था। इसमें पिलो के साथ आपको कवर मिल रहा था, जो कि सबके अलग अलग रेट थे, 500, 600, 700 सबके अलग अलग रेट थे। और ये कुछ इस टाइप की वैरायटीज़ भी देखने को मिल रही थी, अच्छा था, अच्छी कलेक्शन आ रखी है फ्रेंड्स। आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, एक बार जाके देख सकते हैं कि आपको परचेज़ करना है। तो इस टाइप की कुछ वैरायटी मुझे देखने को मिल रही थी, और ये रग्स वगैरह अगर आप मैट वगैरह लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के पिलोस वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिनका रेट सबका फ्रेंड्स अलग अलग ही है। रेट जो भी होता है वो हमेशा ज़्यादा ही बताते हैं आपको, और वो फिर उसमें बार्गेनिंग हो जाती है आपकी, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपको साइज़ परचेज़ करना है। और ये डेकोरेटिव फ्रेम्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, ये देखिए कितने सुंदर थे, इसका रेट था 400 रुपीज़, और जैसे जैसे आप बड़े साइज़ लेंगे उस हिसाब से उनके रेट थे। और ये कुछ मिरर्स लगे हुए थे जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे फ्रेंड्स, तो इस टाइप के मिरर्स आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी डेकोरेटिव आइटम काफ़ी अच्छे आ रखे थे इस बार बंजारा मार्केट में, तो अगर आप इस टाइप का परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और कुछ पिलोज़ की भी मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटीज़ देखने को मिल रही थी, काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन देखने को मिल रही थी मुझे पिलोज़ की भी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो आप देख रहे हैं स्टूल्स लगे हुए हैं यहाँ पे बैठने वाले, ये दो का पेयर का, ये जो बड़े वाले लगे हैं इनका 3000 रुपीज़, और जो छोटे वाले हैं उनका 2500। तो ये फिक्स रेट में देते हैं, बट थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं, ये दो के सेट में ही देते हैं आपको, जब भी देंगे ना आपको सिंगल सिंगल ना मिलके आप दो के सेट में ही आपको मिलेगा। और इस टाइप का भी कुछ कलेक्शन वहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा था, तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अच्छे थे, छोटे मोटे जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे काफ़ी देखने में सुंदर थे और यूनिक स्टाइल के थे। ये कुछ पिलोस यहाँ पे रखे हुए थे अलग अलग डिज़ाइन के, तो मैं वही देख रही थी किस किस टाइप के ये रखे हुए यहाँ पे पिलोस, तो अच्छी कलेक्शन थी।
उसके बाद फ्रेंड्स आगे चल के यहाँ पे जो हम ड्रॉर्स में लगाते हैं होल्डर वो भी थे यहाँ पे, तो इस टाइप के भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कलेक्शन, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे फ्रेंड्स, और इन सब का फ्रेंड्स जो प्राइस है वो सबका अलग अलग था, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको छोटा ख़रीदना है बड़ा ख़रीदना है जो भी ख़रीदना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाएंगे। और मिरर्स की तो आपको वहाँ पे अनलिमिटेड वैरायटीज़ मिल जाएगी, मिरर्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी वहाँ पे, तो अगर मिरर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। और इस टाइप के कुछ शेल्फ भी लगे हुए थे, और फ्रेंड्स ये फ़ोटो फ्रेम्स भी इस टाइप के लगे हुए थे, यहाँ पे वुडन की ट्रे लगी हुई थी स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ की, तो इनके भी सबके फ्रेंड्स अलग अलग प्राइस थे, तो आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इस टाइप का परचेज़ कर सकते हैं। और एक मुझे काफ़ी सुंदर ड्रॉर्स जो होते हैं छोटे छोटे ना, ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे, इनकी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे लगे हुए थे, तो काफ़ी सुंदर कलेक्शन आ रखी फ्रेंड्स, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन आ रखी इस बार, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ फ्लावर पॉट के जो वास्क होते हैं वो लगे हुए थे, और नीचे ये आप डेकोरेट कर सकते हैं, और इस टाइप के कुछ लैंप्स लगे हुए थे जिनका रेट 1500 तक था और अलग अलग था साइज़ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 शेयर करूँगी, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से आपको शॉपिंग की वीडियोस मैं दिखाती रहूँगी, तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।